आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है, आपका जीवन निकला जा रहा है, आप जितने भी आपके सपने हैं, आप जो काम करना चाह रहे थे, अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाह रहे थे, उनको आपको परे करना पड़ रहा है। और देखिए, दरअसल एक बात समझ लीजिए, इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में, हम यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं, महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है, विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है, आपके पीठ में छुरा भोका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं, वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है, आप ही के साथ धोखा हुआ है। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए, काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं, कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। आपके पास कपड़े लत्ते नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। आगे चलिए, विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी, एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत, मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं लगता है। आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है, दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने लगे। ये है हालात। अब मजाक एक तरफ, आपके काम की बात करते हैं। देखिए, मैं आपसे एक सीधी सी बात कहती हूँ, हम मध्य प्रदेश में हैं, बगल में छत्तीसगढ़ है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार है, तो देखते हैं भाई आपकी सरकार ने क्या किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया। और देखते हैं का मतलब ये नहीं है कि प्रियंका गांधी स्टेज पे खड़ी है, कह रही है तो आप मान जाए, मत मानिए, आप खुद पता करिए। कोई छत्तीसगढ़ में रहता है, राजस्थान में रहता है, कांग्रेस में के किसी अन्य प्रदेश में रहता है, तो आप खुद पता कर लीजिए वहां की परिस्थितियां का है क्या है। मेरी बातों पे मत चलिए, मेरा है काम है आपको बताना, मैं बताऊंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ हुए,
मैंने आपसे कहा कि धान 2600 रुपए का, हम 2600 हो गया है, अब पहले 24 था, अब 2600 हो गया है, 2600 में खरीद रहे हैं। वहां वन उपज के लिए समर्थन मूल्य मिल रहा है, धान छोड़िए गेहूं छोड़िए, वन उपज के लिए मिल रहा है। जो महंगाई देश की जो केंद्र सरकार है उसने थोपी है जनता पे, उससे बचाया जा रहा है लोगों को, जो आपके पैसे हैं आपकी जेब में वापस दिए जा रहे हैं। यहां जब भी ये सवाल उठता है भाजपा के प्रदेशों में उनकी सरकारों में, तो जवाब यही आता है कि पैसे नहीं है। आप ओपीएस को देखिए, कांग्रेस के हर प्रदेश में आज ओपीएस लागू है, हमने ओपीएस लागू किया वहां उन्होंने पैसे रोक रखे हैं छत्तीसगढ़ में, कि जब हम लागू कर भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे। क्यों? जब ये सबको बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर सकते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो आपकी संपत्ति है वो सौंप सकते हैं, तो आपके लिए आपके जेब में, चाहे आपका पेंशन हो, चाहे आपके कर्ज माफ करने की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए कुछ राहत हो, इसकी बात क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं कर सकते हैं? अब आप बताओ, आपके इलाके में पता नहीं आवारा पशु का है कि है समस्या, खेतों में है कि नहीं है? है, चलो, यूपी में बहुत है और पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां मैं गई हूं वहां बहुत समस्या है। तो अब हम देखते हैं कि भाई आपकी सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं किया इसको सुलझाने के लिए। और जो छत्तीसगढ़ की सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने देखा कि देखो ये बड़ी समस्या है, इससे किसान जूझ रहा है, रात को आवारा पशु आता है खेत खा जाता है, तो महिलाएं दिन भर खेती के पहरेदारी करती हैं और रात को किसान जाता है और बेचारा बैठा रहता है पूरी रात। तो हमने सोचा कि किस तरह से इस समस्या को सुलझाया जाए, तो क्या किया उन्होंने, हजारों गौठान बना दिए। और उन गौठानों, ये ऐसे गौठान नहीं है जैसे इधर उधर दिखते हैं कि गौ माता को वहां छोड़ दिया, पानी नहीं है, चारा नहीं है, छत नहीं है और वहां पड़ी रहती है, ऐसे गौठान नहीं। उन्होंने सोचा कि ऐसे गौठान बनाएंगे जिससे जो गांव की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो जाएगी। तो क्या किया, वहां जो स्वयं सेवा समूह है महिलाओं के वो बनवाए, महिलाओं को रोजगार दिया, ये कह दिया कि अगर आप गोबर बेचेंगे हम गोबर आपसे खरीदेंगे, सरकार जनता ने जनता से कहा कि हम गोबर खरीदेंगे। तो क्या हुआ, लोगों ने आवारा पशु रखने शुरू किए क्योंकि उससे कमाई शुरू हो गई, तो आवारा पशु रखना शुरू किया, उसकी गोबर सरकार ने खरीदी, उसमें से गोबर गैस बनाया, अन्य ऐसी चीजें बनाई और गौठान में खूब रोजगार दिलवाए खासतौर से महिलाओं को। तो वहां मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूं जो उन गौठानों में काम करके अपने स्वयं समूह द्वारा, स्वयं सेवा समूह द्वारा 1 लाख से 6 लाख रुपए कमा रही हैं महिलाएं। तो एक बड़ी समस्या थी, उसको सुलझाने के लिए दिमाग लगाया गया और ये तय किया गया कि हम इस तरह से सुलझाएंगे कि जनता की सुविधा हो जाएगी। और आज मध्य प्रदेश में किसान उसी से जूझ रहा है। मैं तो कहती हूँ नकल ही कर लेते, छत्तीसगढ़ में जो प्रोग्राम है, जो योजना है, उसकी नकल करके यहां कर लेते, उतना भी नहीं किया। तो जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उससे आज आप जूझ रहे हैं, बहुत परेशान हैं।